शांति। आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्राणेश्वर बाबा आया है हम बच्चों को प्राण दान देने। प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? तो उत्तर में बाबा ने बताया, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि बन अपने कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं, यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ, वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है, तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवानुवाच्य है। यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्य नारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है, यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसको भी पता नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है, एक पार्वती या एक द्रौपदी नहीं थी। यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं, शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को, आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। यह बुद्धि में नहीं आता है कि हम ये जो बॉम्ब्स आदि बना रहे हैं, ये तो अपना भी खून सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है, अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है, ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि न हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं, वंडर है ना,
क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते। ऐसे ऐसे इत्तफाक होते रहते हैं, किसको भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना आजकल की दुनिया में, हंगामा बहुत है। पत्थर बुद्धि भी अथाह हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले, जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं उनके लिए विनशेंदी गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है ये भी जानते हो, बरोबर महाभारी लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था, शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है, फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता, प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगते हैं, वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, यह भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। यह भी तुम समझते हो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं ये राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे, ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कल की बात है। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसीलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह ना सके, तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है। जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात है, कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो ये तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था, बाप आते ही हैं भारत में। यह भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जो जरूर कुछ करने आया हुआ होगा ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। वह तो है हठ योगी, टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं,
तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको, बैठ भी ना सको। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे से तो बैठते हैं ना, बाप तो वह भी नहीं कहते हैं, जैसे चाहे वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, भल कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाएं। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में है विज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर जाते हो। बाप कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है, न आत्मा का पता है, माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसीलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने, तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। यह भी जानते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़जड़ी भूत हो गया है। बच्चे जानते हैं, सब आत्माएं तमो प्रधान है, नई दुनिया में होती हैं सतो प्रधान। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो ना सके, यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते, लौ नहीं कहता। बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़े ही हो सकता, बड़े ते बड़ी भूल है ये। तुम समझाते भी हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं, फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वे जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो वे बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, यह भी बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे,
परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने देखते हैं, विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे, झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है, जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो उसका मतलब यह नरक है ना, मनुष्य इतना भी समझते नहीं। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नरकवासी था। बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की है। सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, हम पतित हैं, पावन बनाने वाला है बाप। वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं, बाप है राम। किसको सीधा कहो तुम मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता, सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। आत्मा तमो प्रधान बनी है, बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, जीते जी फांसी पर लटक जाओ, अर्थात बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है, निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसीलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। दूसरा पॉइंट है आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान है अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर
रचयिता भव। सदा वह मेरा भाग्य और वह भाग्य विधाता। इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया। इसी अनुभव में रहो तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। इसीलिए मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गंवाओ। स्लोगन है, कमल आसनधारी ही माया की आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे श्रेष्ठ कर्म योगी हैं। कमल आसनधारी ही माया के आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे श्रेष्ठ कर्म योगी हैं। अच्छा, ओम शांति।